नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा के पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित करने और पांगी को लोकसभा सीट मंडी से हटा चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट में शामिल करने की मांग पर चंबा के पांगी कल्याण संघ की बैठक में चर्चा की गई। इस बारे जानकारी देते हुए पांगी कल्याण संघ के प्रधान भगत बड़ोत्रा ने कहा कि आज़ादी के बाद 1952 से वर्ष 1967 तक जनजातीय क्षेत्र पांगी अलग निर्वाचन क्षेत्र था, लेकिन इसे बाद में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया और भरमौर को नया विधानसभा क्षेत्र घोषित किया गया, जिस कारण पांगी में विकास पूर्ण रूप से रुक गया, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से पांगी जहां चंबा के उत्तर दिशा में पड़ता है और भरमौर दक्षिण दिशा में, वहीं भरमौर में पांगी के मुकाबले अधिक मतदाता है, जिस कारण हर बार भरमौर से ही विधायक चुना जाता है, जिस कारण विधायक भरमौर के ही कार्य करते हैं और पांगी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वहीं भरमौर में पांगी के मुकाबले अधिक मतदाता है, जिस कारण हर बार भरमौर से ही विधायक चुना जाता है, जिस कारण विधायक भरमौर के ही कार्य करते हैं और पांगी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वहीं लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें भी पांगी के लोगों के साथ अन्याय ही हुआ है, क्योंकि भरमौर विधानसभा क्षेत्र को चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट में नहीं बल्कि मंडी लोकसभा सीट में शामिल किया गया है, जिस कारण सांसद भी मंडी की तरफ ही ध्यान देते हैं और पांगी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। अतः उनकी मांग है कि पांगी की भौगोलिक स्थिति देखते हुए पांगी को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए और इसे चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट में शामिल किया जाए। मैं अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा, पांगी कल्याण संघ चंबा इकाई। आज हमारी यहाँ पे वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है, तो इसमें हम मुख्यतः तीन विषयों पे चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। उसमें से सबसे पहला मुद्दा जो आज से हमने शुरू किया है वो है अलग विधानसभा क्षेत्र का। अब आप देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ है 1945 से लेकर अब तक पांगी क्षेत्र जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। वहाँ पे अपना प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से वहाँ की सारी मांगें लंबित पड़ी हुई है। पिछले 50 सालों से हम चैनीस रूम के बारे में सरकार को पता नहीं कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के सड़क मंत्री को, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कितनी बार हम पत्रों के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा कई बार हम अवगत करवा चुके हैं कि चैनी टनल जो है वो भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए और पांगी के 30,000 जनता के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। जैसे कि रोहतांग टनल बनने के बाद, जैसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बताया था कि 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र अगर लेह के लिए कम हुआ है, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि एक बार अगर हमारी चैनी टनल बन जाती है तो कम से कम 250 किलोमीटर का सफ़र जो है वो लेह के लिए पंजाब के पठानकोट आर्मी बेस कैंप से कम हो सकता है। इस पे सरकार को गौर करनी चाहिए, ना कि ये सिर्फ पांगी जनता की मांग है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा की मांग भी यही कहती है। दूसरा, जैसे कि आप सबको सब लोगों को मालूम है कि भरमौर के साथ पांगी को अटैच किया गया है, एक विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। इससे पहले 1947 से लेकर 1967 तक पांगी एक अलग विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ के अपने विधायक थे, तीन विधायक वहाँ पे रह चुके हैं, इसके बारे में हमारे पास कानूनी तौर पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। तो उसके बाद राजनीतिक कारणों के द्वारा 1967 से बाद जब पहली बार विधानसभा क्षेत्र का विस्तार किया गया, तो लाहौल की तीन पंचायतों को जो है वो लाहौल में मिलाने के बाद पांगी को एक अलग तहसील बनाया गया, जिसको भरमौर के साथ अटैच कर दिया गया। अब आप देखिए, भरमौर की जनसंख्या इस टाइम 60,000, जबकि पांगी का टोटल वोटर 10 से 12,000 के करीब पड़ता है। अब आप देखिए, हमारा प्रतिनिधि कभी जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे 60,000 वोटर एक तरफ है और 10,000 वोटर दूसरी तरफ है। आप अनुमान लगाइए कैसे हम अपने प्रतिनिधि को जिता सकते हैं। तो इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जैसे 1967 से पहले था, वैसे एक बार से दोबारा से इस एक क्षेत्र को अलग विधानसभा बनाया जाए, जिसके बाद कि हम अपनी छोटी छोटी मांगों को अपने प्रतिनिधि के द्वारा सरकार के समक्ष रख सकें। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखिए, मंडी लोकसभा क्षेत्र के साथ पांगी को अटैच किया गया है, जबकि चंबा हमारी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। आप हमें चंबा के साथ रखिए, मंडी का प्रतिनिधि अगर लोकसभा में चुन के आता है तो उसे क्या मतलब है कि वो पांगी के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। तो ये सरकार ने पता नहीं क्यों विसंगतियाँ रखी हुई। तो आज की बैठक में हमारी ये मेन मुद्दे हैं, जैसे कि 2022 में सीमांकन का मुद्दा शायद सरकार के द्वारा रखा गया है, तो मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को हम जोर शोर से सरकार के समक्ष उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि भारत सरकार हमारे इस मुद्दे पर ध्यान दे और हमें एक अलग विधानसभा क्षेत्र दे।